सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यू मी ऑन यूट्यूब को, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, देखा आपने। तो ठीक इसके बगल में बेल का आइकन है, इसे ज़रूर आप प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और बगल में ये जो लोगो है चैनल का, इसे आप प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे, ये देखिए। और यहीं से आप मेरे दूसरे चैनल दिव्या व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि जहाँ पर मैं अपने व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यू मी ऑन यूट्यूब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। तो आज हम मिलके बनाएंगे बहुत ही पॉपुलर डिश पनीर टिक्का। अक्सर ये रेस्टोरेंट में लोग खाने जाते हैं तो इसे ज़रूर ऑर्डर करते हैं स्टार्टर के रूप में। तो अक्सर ये तंदूर या फिर अवन में बनाया जाता है, बट मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि घर में सिंपल तवे पे ही आप कैसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। इसे आप स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच के बराबर मैंने बेसन डाला है। इसे हम 2-3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैंने कोई भी ऑयल यूज़ नहीं किया है, इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और इस समय आँच हम बिल्कुल धीमी रखेंगे, बिल्कुल लो पे सिम पे रखेंगे और इसे धीरे धीरे इसी तरीके से 2-3 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि इसकी जो महक होती है, एक कच्ची महक, वो निकल जाए। फिर इसे हम एक बोल में निकाल के रख लेंगे। फिर हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अच्छी गाढ़ी सी जो दही होती है, वो 2-3 चम्मच के बराबर, बड़े चम्मच के बराबर लिया है मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो हंकर्ड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ प्लेन दही ली है, 2.5 से 3 चम्मच के बराबर ली है। उसमें 1 बड़े चम्मच के बराबर हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उतना ही हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। और फिर हम यहाँ पे ड्राई मसाले लेंगे, पाउडर मसाले, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी है, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, और चाट मसाला हम लेंगे 1 छोटा चम्मच। और ये मैंने तंदूरी मसाला लिया है और ये 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये लाल कश्मीरी मिर्च है। तो तंदूरी मसाला ना हो तो आप गरम मसाले से भी काम चला सकते हैं। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे दही में। तो ये सारा मसाला मैंने डाल दिया इसमें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर है, ये 1 चम्मच है, और 1 चम्मच के बराबर कसूरी मेथी है, और 1 छोटे चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से लें। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो, अगर आपको ना पसंद हो तो आप नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम 3-4 चम्मच 5 चम्मच हम 1 छोटे चम्मच ये बेसन डाल देंगे जो हमने भून के रखा था, और 1 से 1.5 चम्मच हम नींबू का रस डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। और अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला के इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा थिक है, गाढ़ा है, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, या कर्ड का जो पानी होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेस्ट करके देख लें कि इसमें नमक या किसी और चीज़ की कमी हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला वगैरह या जो भी कम लगे आपको। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिया है, उसे इतने बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने काट लिया है। पनीर टिक्का में अक्सर बड़े क्यूब्स ही अच्छे लगते हैं, तो आप कोशिश करें कि थोड़े बड़े बड़े ही पीसेस काटें। तो इसको हम मिला लेंगे यहाँ पे अच्छे से, और फिर उसमें हम कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप शिमला मिर्च हरी वाली ली है, 1/2 कप पीली वाली शिमला मिर्च ली है,
और प्याज के भी मैंने पेटल्स इस तरीके से चौकोर चौकोर काट लिए हैं। सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप चाहें तो इसमें रेड शिमला मिर्च और या फिर टमाटर के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अब इनको हम बहुत ही जेंटली मिलाएंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करेंगे वरना पनीर के टूटने का डर रहता है। और अच्छा होगा कि हम स्पैचुला हटा के हम अपने हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स करें। तो इसे हमको मैरिनेट करना है अच्छे से आधे घंटे के लिए, तो हम इसको सारे मसाले की कोटिंग हो जाए एक दूसरे के ऊपर ऐसा मिला लेंगे, और फिर से हम इसे ढक के रेफ्रिजरेट कर देंगे आधे घंटे के लिए। तो इसी बीच हम चटनी बना लेते हैं टिक्का के साथ जो खाई जाती है। तो ये धनिया पुदीना की चटनी है सिंपल वाली, उसमें हम 2 चम्मच कर्ड ऐड करेंगे दही, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये मेरे घर में चटनी पड़ी थी धनिया पुदीने की, तो मैंने उसी में 2 चम्मच दही ऐड कर लिया, मिला लिया। तो ये तैयार है चटनी टिक्का के साथ। ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसे हम अलग रख देंगे एक तरफ। और मैंने यहाँ पे ये स्क्यूअर्स कुछ लिए हैं, वुडन स्क्यूअर्स हैं, ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में। तो मैंने इसको कुछ देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया ताकि जब हम टिक्का बनाएं तो ये टूटे ना। तो आधे घंटे बाद हम इसको निकाल लेंगे पनीर को, और फिर स्क्यूअर में हम इसे अरेंज करेंगे। मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च डाला है, उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लें, फिर मैंने प्याज डाला है, फिर पीली वाली शिमला मिर्च, फिर एक पनीर का टुकड़ा डालेंगे और फिर से रिपीट करेंगे। तो ये आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। 2-3 पनीर के टुकड़ों के बीच में आप अनियन और कैप्सिकम को अरेंज कर लें, लेकिन टॉप पे और नीचे आप कोशिश करें कि शिमला मिर्च रहे ताकि वो उसको गिरने ना दे पनीर को। तो ये देखिए, इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ मैं। तो हम बाकी के स्क्यूअर भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है और उसमें मैंने मक्खन इस तरीके से अप्लाई किया है थोड़ा सा, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है, मीडियम से थोड़ा कम ही रखें। और सारे स्क्यूअर को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम बीच बीच में उनको इस तरीके से अलटते पलटते घुमाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से ये सिक जाए अच्छे से। और लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन आपकी अपनी टेस्ट के हिसाब से है, आपको कैसा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अगर रोस्टेड अच्छे लगती हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा उसको भून लें। तो इसको इसी तरीके से घुमाते रहें। तो मेरे पास एक ग्रिल तवा था लेकिन ये साइज़ में बहुत छोटा था, तो मैंने इस पर नहीं दिखाया आपको। तो मेरे पास 2 स्क्यूअर बच गए थे तो मैंने इस पर लगा दिए हैं। वैसे आपके पास बड़ा हो अगर ग्रिल तवा तो आप उसे यूज़ करें। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म पनीर टिक्का। इसे आप एपिटाइज़र के रूप में खा सकते हैं, स्नैक के रूप में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के नीचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू।